नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तंत्र बाधा से मुक्ति। दोस्तों, कभी कभी आप ऐसे घरों में रहने चले जाते हैं जहां का वातावरण आपको रोगी करने लगता है। आप इतने परेशान हो जाते हैं कि कुछ भी करके इस समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं। मित्रों, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो उपरोक्त समस्या खड़ी हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि आप घर सुरक्षित एवं शुद्ध करें। किसी भी दिन से यह क्रिया आरंभ करें। नित्य पूजन के समय एक पात्र में थोड़ा दूध और पानी मिलाकर रखें। अब निम्न मंत्र का किसी भी माला से एक माला जाप करें। इसका मंत्र इस प्रकार है। रिम बाधा निवारिणी सर्वरक्षिणी कामेश्वरी दुर्गाये नमः। इस प्रकार मंत्र जाप करें। फिर इस क्रिया के बाद सामने रखा दूध जल घर के सभी सदस्य को थोड़ा थोड़ा पिलाएं और बचा हुआ घर में छिट दें। यह क्रिया नित्य करने पर अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं और घर में निवास कर रही नकारात्मक ऊर्जा पलायन कर जाती है। इसके अतिरिक्त रसतंत्र के अनुसार भैरव गुटिका टांग देने से भी घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है तथा घर तंत्र बाधा से मुक्त रहता है। साधकों को सुविधा अनुसार जो भी उपाय उचित लगे करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साबर ब्रह्म पाश साधना रक्षा के लिए। दोस्तों, आज के युग में इंसान भय में जीता है। घर में कलेश का भय, दफ्तर में ऑफिसर का भय, यात्रा में दुर्घटना का भय, चोरी का भय, विषैले जंतु का भय, कभी जंगल में हो तो खतरनाक जीव का भय। इस तरह सारी जिंदगी एक भय के साए में व्यतीत हो जाती है। जीवन में कोई ना कोई कमी खटकती रहती है। ऐसा क्या करे जो भयमुक्त होकर जीवन का आनंद ले सके। इसके लिए साबर तंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण साधना की जाती है जो नाथ संप्रदाय में और भी कई संप्रदायों में संपन्न की जाती है। इसे कर लेने के बाद इंसान सभी किस्म के भय से मुक्ति पा जाता है। दोस्तों, इस साधना का विधि इस प्रकार है। इसे आपको 7 दिन में करना है और 108 मंत्र प्रतिदिन कर सकते हैं। इसमें माला रुद्राक्ष की ले सकते हैं। गुरु पूजन कर मानसिक आज्ञा लें और एक बार करने के बाद इसे कहीं भी आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत ही सरल विधान है। बस जितने दिन करनी है एक समय मीठा भोजन करना है। थोड़ा भोजन किसी पतल में डालकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। पानी का लोटा साधना वक्त में पास रखें जो अगले दिन
पीपल के पेड़ पर डाल दें। इस प्रकार 7 दिन करें। यूँ तो मंत्र स्वयं सिद्ध है, फिर भी विशेष लाभ देने के लिए जो ऊपर विधि बताई है उसी का अनुसरण करें। 7 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाता है और भय से मुक्ति प्रदान करता है। इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर से निकलते वक्त पढ़ सकते हैं और सफर में जहां रात्रि विश्राम कर रहे हो वहां भी पढ़ सकते हैं। इससे हर प्रकार से रक्षा होती है। यहां एक समय मीठे भोजन का मतलब है, भोजन तो आप करते ही हो मगर दिन में एक वक्त मीठा भोजन करें। बाकी जैसे आप दाल रोटी खाते हो ठीक है। दोस्तों, इसका एक विशेष प्रयोग भी है। अगर मिल सके तो जो प्रजापति घुमियार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके पास एक धागा होता है जिससे वो चक्र से बर्तन उतारते वक्त, बर्तन काटकर उतारते वक्त इस्तेमाल करते हैं। मगर कोई भी घुमियार उसे देता नहीं क्योंकि उसे बहुत संभाल के रखते हैं। आप चाहे कितने भी पैसे दो वो मना कर देते हैं। उन्हें आवी बंधने का डर होता है क्योंकि वशीकरण से लेकर मारण और मोहन उच्चाटन आदि बहुत से प्रयोग उस पर किए जा सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ रक्षा प्रयोग दे रहा हूँ। अगर मिल जाए तो उस पर 108 बार यह ब्रह्मपाश मंत्र जब किसी के गले पहना दिया जाए तो उस पर सारे तंत्र प्रयोग नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का जादू टोना उस पर असर नहीं करता। चाहे कोई भी उस पर प्रयोग कर ले, उस पर जाकर प्रयोग स्वयं कट जाता है। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरु को आदेश गोरा कत्ते शिवजी वट्टे ब्रह्मा तानी पाश चोरा यारा सिहा सर्पा चारो जान निराश। इस प्रकार मंत्र जाप करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।